नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताएंगे जिस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कोई जातक इस उपाय को यदि विश्वास के साथ और श्रद्धा पूर्वक करता है तो उस जातक की मिट्टी भी बिक जाती है। कहने का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति की कोई चीज बिकाऊ है, कोई चीज वह बेचना चाह रहा है लेकिन वह नहीं बिक रही है, तो इस उपाय को करने के पश्चात उसकी वह चीज अवश्य ही बिक जाएगी। शुक्रवार को करने का यह उपाय बताया गया है और 5 से 9 शुक्रवारों के भीतर आपकी वह चीज अवश्य ही बिक जाती है, ऐसा इस उपाय के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि शुक्रवार के दिन जो भी चीज आपकी बिकाऊ है, जो भी चीज आपने बेचनी है, भले ही वह कोई सामान है, कोई मकान है, कोई भूमि है, कोई वाहन है, कोई भी चीज है, शुक्रवार की साय उसे अपने दक्षिण दिशा में कर लीजिए। यदि कोई सामान है उसे तो आप दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, यदि कोई प्रॉपर्टी आदि है तो उसके आप बाएं साइड खड़े हो जाइए, यानी कि वह आपके दाहिने साइड पे होनी चाहिए और साय के समय पे आपने ऐसा करना है। किंतु उससे पूर्व एक कटोरे पे या किसी बर्तन पे आपने एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा दही और उस पर थोड़ा सा सिंदूर आपने डाल लेना है और उसको 5 उंगुलियों से घोल लेना है ऐसे इस तरीके से, और वहां पे थोड़ा सा स्तुति भगवानों की, सभी देवी देवताओं का स्मरण और अपनी प्रार्थना कर लेनी है कि मेरी यह चीज उचित दामों में बिक जाए। उसके पश्चात आपने वह कटोरा साई को जिसमें पे आप उस चीज के बाएं साइड पे खड़े रहते हैं, वह चीज आपके दाहिने साइड पे होती है, तो वहां पर वो जो आपने चावल दही और सिंदूर डाल के बनाया है कटोरे पे, वो संपूर्ण चीज उस जगह पे उस सामान पे आपने थोड़ा थोड़ा करके डाल देनी है, कुछ निकालना है और ऐसे छिड़काव कर देना है और स्मरण करना है माता लक्ष्मी से कि हे मां लक्ष्मी, मेरा यह सामान उचित दामों में या जो भी चीज है यह बिक जाए, इसके बिकने के पश्चात मैं आपके दरबार आपके मंदिर पे आऊंगा और वहां पर कोई छोटी सी स्तुति आपकी अवश्य ही हम कराएंगे। इस तरीके से आप वहां पर को प्रार्थना कर सकते हैं और संपूर्ण जो दही चावल आदि है उसको आपने वहीं पर को इस तरीके से छोड़ देना है और उसके पश्चात आ जाना है। 5 या 9 शुक्रवार को ऐसा करने के लिए बताया गया है और बताया गया है कि इसी अवधि में आपकी वह चीज बिक जाती है। इतना चमत्कारिक और सिद्ध यह उपाय बताया गया है। अत्यंत सरल है, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, बस माता लक्ष्मी की स्तुति करनी है और सभी देवी देवताओं का तो हम लोग कहते हैं कि आप ध्यान कर लीजिए, किंतु शुक्रवार की साय के लिए यह उपाय बताया गया है। अत्यंत ही सिद्ध है। बहुत से लोगों के हमारे लिए प्रश्न आते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, हमारी दुकान नहीं बिक रही, हमारा मकान नहीं बिक रहा है, हमारा सामान नहीं बिक रहा है, तो उन लोगों के लिए यह उपाय अत्यंत ही सिद्ध और चमत्कारिक साबित हो सकता है। इस उपाय को उन्हें करना चाहिए और हर किसी व्यक्ति के लिए यह उपाय फायदेमंद हो सकता है। जीवन में कभी भी कोई भी घटना हमारे साथ कभी भी घट सकती है और उस घटना का यदि तोड़ जिसे हम कहते हैं उसका उपाय हमारे पास हो तो घटनाएं बड़े आराम से हमारे हैंडल हो जाती है, हम उसे आराम से अपने वश में कर लेते हैं और वहां से निकल आते हैं। तो ऐसी जानकारी अवश्य आप लोगों के संज्ञान में होनी चाहिए। तो यदि आप लोगों को भी यह जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोग यदि हमारी जानकारी से प्रभावित रहे हुए पूर्व की वीडियो भी वह देख सकते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी की वीडियो लगातार देखने के लिए नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को अवश्य ही दबाइए। पूर्व के हमारे 1000 वीडियो है वह आप लोगों के नोटिफिकेशन में आने शुरू हो जाएंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।